हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज यह एक अलग ही पहचान तथा अस्तित्व को कायम रखा है। दोस्तों, इस पुल का यही खासियत है कि यह पुल इतना लंबा होने के बाद भी इसका कोई भी सपोर्ट यानी कि कोई भी बीच में सपोर्ट नहीं पाया जाता है। इसी कारण से यह पुल अलग ही अपना अस्तित्व को कायम रखा हुआ है। दोस्तों, यह पुल कोलकाता में स्थित है और दोस्तों आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोलकाता में कोई फिल्म शूटिंग हो रही हो और उसमें हावड़ा ब्रिज का सीन न लिया गया हो। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज को रविंद्र सेतु के नाम से भी जाना जाता है। यह ब्रिज भारत के पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के ऊपर बना एक ब्रिज है। यह ब्रिज हावड़ा और कोलकाता को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। दोस्तों, बिना खम्भे वाले पुलों में इसका छठा स्थान है। दोस्तों, यह ब्रिज अलग इसलिए है क्योंकि दोस्तों हर ब्रिज या पुल के नीचे खम्भे होते हैं, लेकिन इस ब्रिज के नीचे कोई भी खम्भा नहीं है। दोस्तों, ब्रिज मात्र 4 खम्भों पे ही टिका है। 2 खम्भे जहाँ ब्रिज की शुरुआत होती है, 2 खम्भे जहाँ पे ब्रिज की अंत होती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि यह पुल मात्र 4 खम्भों पर ही टिका हुआ है। इन 4 खम्भों के अलावा इस ब्रिज में कोई भी खम्भा अलग से नहीं पाया जाता है। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज का निर्माण 1936 ईस्वी में शुरू कर दिया गया था, जो 1942 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया तथा 3 फरवरी 1943 ईस्वी को जनता के लिए खोल दिया गया। दोस्तों, यह ब्रिज बहुत ही सुरक्षा के साथ बनाया गया है। दोस्तों, इस ब्रिज को बनने के बाद 1 साल तक इसे छोड़ दिया गया था ताकि इसमें कोई भी कमी न हो, या कोई कमी भी हो तो अपने आप 1 साल के अंदर, अतः 1 साल के बाद इसे चालू किया गया ताकि इसमें जो भी कमी है उसे देखा जा सके। दोस्तों, इस ब्रिज को बनने में करीब 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। इस ब्रिज में जितना स्टील लगा उन सब स्टील का सप्लाई टाटा स्टील कंपनी की थी। दोस्तों, पानी वाले जहाज, नाव आदि को इस नदी को पार करने में कठिनाई न हो, इसी के कारण से इस ब्रिज में एक भी खंभा नीचे नहीं बनाया गया है। और यह 705 मीटर लंबा है तथा 8.8 मीटर चौड़ा है तथा इसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई 82 मीटर है। दोस्तों, दुनिया भर में ऐसे कई पुल हैं जो अपनी एक अलग ही पहचान रखते हैं। कहीं कहीं ये पुल देश की शान भी कहलाते हैं। दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि हावड़ा ब्रिज का आज तक उद्घाटन नहीं हुआ। दोस्तों, 1942 ईस्वी में जापान ने इस ब्रिज के कुछ ही दूरी पर एक बम फेंक दिया था, जिसके फटने से इस ब्रिज पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो दोस्तों, आप लोग सोच सकते हैं कि यह ब्रिज कितना मजबूत बनाया गया है। दोस्तों, इस ब्रिज पर करीब प्रतिदिन यानी कि 3 लाख से भी अधिक गाड़ियां तथा 45,000 से भी अधिक लोग पैदल चलते हैं। तो दोस्तों, हमारे भारत में अनेक प्रकार के भव्य इमारत तथा अनेक प्रकार के भव्य ब्रिज, पुल यानी कि अनेक प्रकार के स्थल मौजूद है। दोस्तों, आप लोग इन स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल आदित्य एम ब्लॉग को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज के बारे में यह जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बिना कमेंट करके मत जाइएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का कमेंट का मुझे बहुत ज्यादा इंतजार रहता है। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा मेरे भाई। और जानते हैं आप लोग, हमारे भारत में अनेक प्रकार के भव्य इमारत तथा अनेक प्रकार के दर्शनीय स्थल है। तो दोस्तों, इस सब के बारे में जानकारी आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो मुझे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जो होता है उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और सबसे पहले आप लोग जानकारी मिल जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।